तो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि इम्यूलेटर एप्लीकेशन के बारे में, जो कि क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम देखने वाले कितना आपको मतलब क्या इसके अंदर आप फ्री में गेम प्ले कर सकते हो, या फिर जो कॉइन्स आपको मिलते हैं क्या वो इनफ है मतलब फ्री के अंदर कुछ 10-15 मिनट गेम प्ले करने के लिए। तो आज वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करने वाले। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टास्क रन कर रखा है, तो जिसके अंदर यहाँ पर आप जैसे आप यहाँ पर मी के ऊपर आएंगे, मतलब अपने आइडिया के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको टास्क यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टास्क के अंदर चले जाना है। जैसे आप टास्क के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टास्क मिलते हैं, तो इन टास्क कंप्लीट करके आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। क्या आप मतलब इन कॉइन्स को यूज़ करके क्या आप गेम प्ले कच्चे मतलब 10-15 मिनट का आप गेम प्ले कर सकते हो, तो आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ पर शो कर रखा है, तो मैंने यहाँ पर 10 कॉइन्स यहाँ पर मैंने अर्न कर रखे। उस कॉइन्स को मैंने उन कॉइन्स को मैंने एड्स वॉच करके करके यहाँ पर मैंने अर्न कर रखे। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर वॉच इन द रूम फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पर आपको रूम के अंदर जाकर के आप 10 मिनट्स तक आपको गेम प्ले देखना होगा। फिर से आपको यहाँ पर 2 कॉइन मिलेंगे, यहाँ पर कुछ एड्स वगैरह आपको आपको देखने मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर आपको शो रखा वी 20 एड्स आपको डेली देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप 20 कॉइन्स आप यहाँ पर शो मतलब अर्न कर सकते हो। यहाँ पर यूज 20 जेम्स ऑन क्रेडिट जेम्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, यानी मतलब इस 10 कॉइन्स के अंदर आप कितना मिनट का गेम प्ले कर सकते हो। तो आज के वीडियो के अंदर उसी बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पर सिंपल आपको करना है, यहाँ पर मैं जैसे आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको बैक आना है, यहाँ पर आपको छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करके कुछ कॉइन्स वगैरह अर्न करने, तो यहाँ पर आपको मैं शो करने वाला है कितने कॉइन्स के ऊपर आपको कितना गेम प्ले टाइम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली मेरे यहाँ पर 10 कॉइन्स है, तो 10 देखेंगे 10 कॉइन्स के अंदर आप कितना गेम प्ले कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर बैक ले लेता हूँ, यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर मैं आपके ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको गेम्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लाइब्रेरी के अंदर शो करता हूँ। कोई भी एक गेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर WWE सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर WWE पे नहीं, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्ले के ऊपर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर जैसे आप प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे सिंगल प्ले, यहाँ पर जैसे आप प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेयर्स वगैरह यहाँ पर आपको शो, तो यहाँ पर आपको इसे स्टेप्स कट कर लेना है ऐड को, यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा पिंग विषय होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और ओके कर लेना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है, तो यहाँ पर मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने का, यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर क्यू जो है आपको ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ 1-2 मिनट तक आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और फिर एंटर गेम के अंदर आपको एंटर कर लेना है। जैसे गेम प्ले आप आपके सामने कुछ इस तरीके से एक ऐड वगैरह आप छोड़ जाएगी, तो उसका आप कैंसिल कर लेना है, इस ऐड को यहाँ पर आपको कैंसिल कर लेना है, और यहाँ पर इस तरीके से आपको कैंसिल कर लेना है। फिर यहाँ पर देखेंगे 10 कॉइन पे चेंज सेटिंग ऑन ओके, यहाँ पर आपको 10 कॉइन्स के अंदर आपको लगभग 1-2 मिनट का आपको गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप यहाँ से गेम वगैरह ऑन कर सकते हो इस तरीके से, सेव गेम फाइल वगैरह आप इसे कैंसिल कर देता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, या फिर क्लिक कर रहा हूँ ओके।